हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा पीएम मोदी ने नोएडा और यूपी को दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री की सौगात दी। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मार्केट है, लेकिन उद्घाटन समारोह से पहले इस कामयाबी का श्रेय लेने को लेकर होड़ मच रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी उनके समय में शुरू हुए काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर विपक्षी नेता बीजेपी पर जमकर बरसे। देशवासियों को सैमसंग मोबाइल यूनिट का तोहफा, पीएम मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन, पीएम ने जताया भरोसा रोजगार के अवसर होंगे पैदा, मेक इन इंडिया को भी मिलेगी गति, सीएम योगी ने साउथ कोरियाई निवेशकों से की अपील, यूपी में पूंजी निवेश करने की अपील। मेक इन इंडिया के लिए सोमवार का दिन मील के पत्थर की तरह रहा। नोएडा में सैमसंग मोबाइल कंपनी की यूनिट के उद्घाटन में पीएम मोदी, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु समेत कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने सैमसंग कंपनी और दक्षिण कोरिया की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि भारत का शायद ही कोई परिवार होगा जहां कम से कम एक कोरियाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल न होता हो। अपने मित्र प्रेसिडेंट मून के साथ नोएडा में बनी सैमसंग की इस फैक्ट्री में आना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट भारत के साथ ही ये उत्तर प्रदेश और नोएडा के लिए भी एक गर्व का विषय है। सैमसंग का ग्लोबल R&D हब भारत में है और अब ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी हमारा गौरव बढ़ाएगी। साथियों, जब भी बिजनेस कम्युनिटी के लोगों से मेरी बातचीत होती है तो एक बात मैं अक्सर कहता हूं, भारत में ही शायद ही ऐसा कोई मिडिल क्लास फैमिली होगा, मिडिल क्लास घर होगा, जहां कम से कम एक कोरियाई प्रोडक्ट आप वहां नजर ना आए, ऐसे शायद ही कोई परिवार हो। पीएम मोदी ने कहा कि इस फैक्ट्री से जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं ये यूनिट मेक इन इंडिया को भी गति देगा। उन्होंने बताया कि इस यूनिट में हर महीने करीब 1 करोड़ मोबाइल फोन बनाए जाएंगे, जिसका 30% एक्सपोर्ट किया जाएगा। इससे वैश्विक स्तर पर हमें बढ़त मिलेगी। पूरे देश में लगभग 70,000 लोगों को आपने सीधा रोजगार दिया है, जिसमें से लगभग 5,000 यहां नोएडा में है। इस नए प्लांट से 1,000 और लोगों को रोजगार मिलने वाला है। मुझे बताया गया है कि यहां बनी ये यूनिट कंपनी की सबसे बड़ी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी। यहां हर महीने लगभग 1 करोड़ फोन बनेंगे। महत्वपूर्ण ये भी है कि यहां जो भी प्रोडक्शन होगा उसका 30% एक्सपोर्ट होगा, दुनिया के अलग अलग देशों में जाएगा। निश्चित तौर पर इससे ग्लोबल मार्केट में आपकी स्थिति और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों की संख्या 2 से बढ़कर 120 हो गई है, जिनमें से करीब 50 केवल नोएडा में है और उसके माध्यम से 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे रोजगार मिला है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो आज भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। बीते 4 वर्षों में फैक्ट्रियों की संख्या, मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्रियों की संख्या
दो से बढ़कर के 120 हो गई है और खुशी की बात है कि जिसमें से 50 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ यहां नोएडा में है। इससे 4 लाख से अधिक नौजवानों को सीधा रोजगार मिला है। रोजगार निर्माण में भी सैमसंग की अग्रणी भूमिका रही। पीएम मोदी ने कहा कि 5,000 करोड़ का ये निवेश सैमसंग के साथ साथ दोनों देशों के रिश्तों को भी मजबूत करेगा। 5,000 करोड़ रुपए का ये निवेश न सिर्फ सैमसंग के भारत में व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाएगा बल्कि भारत और कोरिया के संबंधों के लिए भी अहम सिद्ध होगा। कोरिया की टेक्नोलॉजी और भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर सपोर्ट से दुनिया के लिए हम बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार करेंगे। यही हम दोनों देशों की ताकत है और यही हमारा साझा विजन। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी और दक्षिण कोरिया के ऐतिहासिक संबंधों का हवाला दिया और वहां के निवेशकों से यूपी में निवेश करने की अपील की। साउथ कोरिया और उत्तर प्रदेश का एक भावनात्मक रिश्ता है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की रानी क्वीन हो साउथ कोरिया के राजकुमार के साथ विवाह बंधन से बंधी थी और इस भावनात्मक रिश्ते को आज एक नई ऊंचाइयों को इन संबंधों के माध्यम से बांधने का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर मैं विशेष रूप से कोरिया गणराज्य के निवेशकों को प्रदेश में अपने उद्यम की स्थापना हेतु सादर आमंत्रित करता हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी पहल और प्रयासों में राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ सहयोग करेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी फालतू का श्रेय लेने में जुटी है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत काफी पहले हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इसको लेकर निशाना साधा। इसका श्रेय जहां एक तरफ सैमसंग के लोगों को जाता है वही श्री अखिलेश यादव जी को इसलिए जाता है कि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की और 30 एकड़ जमीन दे करके सैमसंग की इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इस स्थिति में पहुंचाया। नेताओं की सियासत अपनी जगह पर इतना जरूर है कि नोएडा में सैमसंग की यूनिट लगने से मेक इन इंडिया को नई गति जरूर मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।